अब हम देखेंगे वॉट आर द एडवांटेजेस फॉर यूजिंग फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेटर कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज करते हुए वी कैन कंट्रोल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कॉस्ट और फिजिकल रिसोर्सेस एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज करते हुए हम बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं इम्प्रूवड कस्टमर रिलेशन वी कैन इम्प्रूव द रिलेशन विदमर हाउ वी कैन इम्प्रूव द रिलेशन विदमर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम बेहतर तरीके से अपने ना सिर्फ रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवस को इजीली मीट कर सकते हैं जिनमें हमारे पास स्कोप है टाइम है और कॉस्ट है और जब हम बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हुए सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे कंप्लीट करेंगे तो ऑन द अदर हैंड हमारा जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो इम्प्रूव होता जाएगा हम वो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो यूजर की नीड्स को 100% परसेंट सेटिस्फाई करेगा नंबर थ्री शॉर्टर डेवेलपमेंट टाइम्स सो so, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने टाइम कॉस्ट और स्कोप को मैनेज करेंगे तो हम उतना ही इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लेंगे और दिस विल रिजल्ट इन शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम्स और कम से कम वक्त में हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके यूजर को हैंड कर सकते हैं बेटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम अपनी कॉस्ट को भी ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं बिकॉज़ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी फॉलो अ प्लान और प्लानिंग बेसिकली किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक पावरफुल टूल के तौर पे यूज़ की जाती है हम अपने काम को जितना अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और जितने अच्छे तरीके से हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे उतना ही हम अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते जाएंगे जिसके रिजल्ट में हमें रेपिटेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी चेंज रिक्वायर्ड नहीं होगी रेपिटेशन उस सूरत में होती है कि अगर आप अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करते आप यूजर के गोल्स को ऑब्जेक्टिव को ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाते आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते तो उस सूरत में ना सिर्फ आपका टाइम बढ़ जाता है आपकी एफर्ट्स बढ़ जाती हैं बल्कि कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है नंबर फाइव हायर क्वालिटी एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को अप्लाई करते हुए जो प्रोडक्ट हम बिल्ड करेंगे वो ऑफ कोर्स हमें ये गारंटी करेगा वो कि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस है विद द इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी और वो एक रिलायबल प्रोडक्ट होगा जिस पे यूजर रिलाई कर सकेगा कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को ठीक उसी तरह फुलफिल करेगा जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर सिक्स हायर प्रॉफिट मार्जिन्स कॉस्ट और टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट हम बिल्ड करेंगे वो यूज़र की नीड्स के ना सिर्फ मुताबिक होगा बल्कि प्रॉपर कॉस्ट मैनेजमेंट से इन फ्यूचर वी कैन अचीव द हायर प्रॉफिट मार्जिनस कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से प्लान करने के बाद मैनेज करने के बाद और कंट्रोल करने के बाद जो प्रोडक्ट या सर्विस हमें मिलेगी वो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिट प्रॉफिटेबल होगी हम राइट right टाइम पे राइट right अमाउंट को इन्वेस्ट करके हायर प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं सिर्फ सूरत में जब हम फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट बनाएंगे Then number 7 we have the improved productivity by the use of right project management activities we can improve the efficiency and output of our process in order to apply the right management activities we can improve the productivity we can improve the output of our project kisi bhi kaam ko well organized वे में परफॉर्म करते हुए प्लान करते हुए रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हुए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की जाएगी या डेवलप की जाएगी वो ऑफ कोर्स एफिशिएंट प्रोडक्ट होगी नंबर एट वी हैव बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन बाय द यूज ऑफ राइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वी कैन

डेवलपमेंट टीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि उन तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगी या एक सर्विस या प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगी उनको बेहतर बनाया जा सकता है उनमें कॉर्डिनेशन को पार्ट को बनाया जा सकता है हायर वर्कर मोरल विद लेस स्ट्रेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो बुनियादी मकसद है वो बेसिकली अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू सर्टेन पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स सो बेसिकली जो प्राइमरी हमारा फोकस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो दैट इज द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर प्लानिंग की जाती है प्लानिंग में बेसिकली अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में वी हैव द वर्कर्स हम प्रॉपर तरीके से तमाम वर्कर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और टास्क को डिवाइड किया जाता है क्रॉस द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट सो बेसिकली इससे क्या होगा हमारे वर्कर्स का मोरल हायर होगा और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा प्रेशर कम होगा रिड्यूस होगा वी हैव अ प्लान एंड वी जस्ट हैव हैव टू फॉलो दैट प्लान एंड वी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकस ऑन टास्क वी हैव द एक्टिविटीज वी हैव टू फॉलो एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कम्पलीट दिस सेट ऑफ टास्क इट इज ऑफकोर्स द

हुआ जी, ये 1969 में किया गया और ये फाइव इंडिविजुअल्स थे जो मिल के काम कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क और इनका मकसद क्या था कि कुछ कॉमन प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करें और प्रोसेस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें इट इज नाउ द लीडिंग मेम्बरशिप एसोसिएशन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन और अब ये एक हमारी लीडिंग मेंबरशिप एसोसिएशन बन चुकी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन में जिसके अंदर वी हैव मोर देन टू सिक्सटी थाउजेंड मेम्बर्स इन ओवर वन सेवेंटी वन कंट्रीज और अब बेसिकली इस एसोसिएशन के अंदर टू सिक्सटी थाउजेंड से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो कि वन सेवेंटी वन कंट्री से तकरीबन बिलोंग करते हैं सो बेसिकली पी एम आई वो इदारा है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं जो टेक्निक्स हैं जो मेथोडोलॉजीज़ हैं जो रूल्स हैं जो प्रोसेस हैं उनको सेट करता है और इसका मकसद क्या है इसका मकसद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन को बेहतर से बेहतर बनाना है उन बेस्ट प्रैक्टिस को अप्लाई करते हुए जो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगे